तो ये हमारा मूंगफली की बर्फी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखने में जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा इसका टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली की बर्फी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 200 ग्राम के आसपास मूंगफली लिया है और इसे हमें हल्का रोस्ट करना है। अब फ्राई पैन पे या तो कढ़ाई में इसे चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं इसे, ताकि इसका छिलका हम आसानी से उतार सकें। तो ये देखिए हमारा ये मूंगफली हमारा रोस्ट हो चुका है अच्छे से। ये देखिए इसका छिलका अच्छे से निकल रहा है, ये देखिए। तो उसी प्रकार से अपने मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे हम, ताकि केवल इसका छिलका अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए हमारा भून चुका है मूंगफली। अब इसका हम छिलका निकाल के अच्छे से इसे ग्राइंडिंग कर लेंगे हम। इसी प्रकार से आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं सारे छिलके को, या कपड़े में लपेट के इसे अच्छे से मैश करके निकाल सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे हम, नहीं तो इससे तेल निकलने लगेगा। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे पीसा है, कुछ दरदरा आपको देखने से लग रहा होगा। इस प्रकार से दरदरा आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी बर्फी बनने वाली है। तो अब हम जितना हमने मूंगफली लिया था उसी मात्रा में चीनी लेंगे, और जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी डालेंगे इसमें, और इस प्रकार से इसका हमें चाशनी तैयार करना है। मूंगफली के बराबर हम चीनी लेंगे मात्रा में। तो ये देखिए हमारा चाशनी लगभग बन चुका है। चाशनी को हमें गाढ़ा ज़्यादा नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा पतला। अब बराबर मात्रा में पानी और चीनी डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा चाशनी, और उसमें हम ये पीसी हुई मूंगफली डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गाँठें ना पड़े। तो अब हम इसमें यहाँ पे घी ऐड करेंगे। घी फ्रेंड्स हमने अभी 2 चम्मच इसमें डाला है, और देखते हैं इसमें थोड़ी सी और लास्ट में डालेंगे। तो घी डाल के फिर हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से इसे चलाते रहना है, इसे छोड़ेंगे नहीं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ननस्टिक में बनाने से थोड़ा सा चिपकने का कम डर रहता है। तो ये देखिए इस प्रकार का कुछ टेक्सचर है। तो थोड़ी सी और घी हम ऐड करेंगे इसमें। घी ऐड करने से क्या है ना, इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। नहीं तो बगैर घी का आप बनाएंगे तो थोड़ा ये कड़ा बनेगा, उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये देखिए इसका इस प्रकार से कुछ डो तैयार हो चुका है, ये जमने के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से ठंडा होने के बाद हो चुका है। तो अब हम इसे एक बर्तन में डालेंगे ताकि इसको, और बर्तन में डालने से पहले हम बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से, ताकि ये नीचे अच्छे से चिपके ना। ये देखिए हमारा इस प्रकार से डो इसका तैयार हुआ है, और इसे ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे ग्रीसिंग करके बर्तन को, और उसके बाद हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे भी इसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा 2 घंटे के बाद ये फाइनली हमारा सेट हो चुका है डो। तो सबसे पहले हमने गोल बर्तन लिया था, तो इसके चारों किनारों को हम अच्छे से अलग कर देंगे निकाल के, ताकि इसका बीच वाला शेप बिल्कुल स्क्वायर में रहे। तो हम इस प्रकार से इसका शेप आपको जैसा पसंद हो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका
टेक्सचर निकला है और ये बहुत ही स्मूथ है। तो अब हम इसे थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें बादाम और थोड़ी सी किशमिश से हमने इसे डेकोरेट किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उस प्रकार से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है ठंडियों के दिनों में। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने इस मिठाई को दिवाली के मौके पे बनाया है, तो दिवाली का उत्सव भी इस मिठाई के साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप भी फेस्टिवल पे इस तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं अपने घरों पे। हमने ये दिवाली स्पेशल मिठाई बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए आपको आगे भी देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।